हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ठीक है देखिए वो क्या कह रहे हैं इन एन एपी इन एन एपी पी इज इक्वल टू एन बाई टू इन टू टू प्लस एन माइनस वन इन डी ठीक है वेयर एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स ये चीजें आपको लिखनी है स्टूडेंट्स ये लोग बच्चे लिखते ही नहीं ठीक है ए क्या है फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म डी क्या है कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस और एस एन क्या है सम ऑफ टर्म्स ठीक है स्टूडेंट्स अब वो क्या कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स इट मींस एन इज इक्वल टू सेवन एस एन इज इक्वल टू एस सेवन और एस सेवन किसके इक्वल हो जाएगा एन की वैल्यू सेवन पुट करें टू ए हमें नहीं पता एन कितना है हमें नहीं प्लस सिक्स डी यहाँ से टू बाहर निकाल लीजिए फोर्टी नाइन इज इक्वल टू सेवन बाई टू इंटू टू ए प्लस थ्री डी ठीक है स्टूडेंट्स टू से टू

टू इंटू ए प्लस सिक्सटीन डी ठीक है टू एट्टी नाइन इज इक्वल टू सेवेंटीन बाई टू यहाँ से टू कॉमन ले लीजिए ए प्लस एट डी ठीक है टू से टू कैंसिल टू एट्टी नाइन इज इक्वल टू सेवेंटीन इंटू ए प्लस एट डी को इधर ले आइए टू एट्टी नाइन बाई सेवेंटीन इज इक्वल टू ए प्लस एट डी ठीक है अब इसको कट कीजिए टू एट्टी नाइन को सेवनटीन से तो क्या आ जाएगा सेवनटीन वन सा सेवेंटीन वन इलेवन नाइन सेवन पे तो ये कट करके आ जाएगा सेवनटीन तो सेवेंटीन इज इक्वल टू ए प्लस एट तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर टू ठीक है अब उसके बाद हम क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू यहाँ से ए प्लस थ्री डी किसकेक्वल है सेवन किस के और यहाँ से ए प्लस एट डी किसकेक्वल है

टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू कैंसिल आउट हो गया ठीक है तो ये क्या बच गया एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू एन टू से टू कैंसिल आउट दैट इज एन स्के तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या गया एस एन इज इक्वल टू एन ठीक है स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये बस लास्ट में कुछ नहीं करना ए डी को वैल्यू को सिंपली सब्सिट्यूट कीजिए और उससे हमारा रिजल्ट आएगा एस एन इज इक्वल टू एन स्क्र जैसे देखिए एस सेवन है हमारे यहाँ पे ना सेवन टर्म इज फोर्टी नाइन एस सेवन सेवन स्क्र सेवन जा फोर्टी नाइन एस सेवनटीन ये रहा सेवनटीन 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 को सेवनटीन से करेंगे तो टू एटी नाइन ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन